दुनिया में आज देखिए, नवाज शरीफ को अदालत से मिली बड़ी राहत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद को भ्रष्टाचार मामले में मिली सजा सस्पेंड करते हुए उनके रिहाई के आदेश दिए। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। नवाज शरीफ की रिहाई की खबर के अलावा कार्यक्रम में आज काले लोगों को लेकर भारतीयों के बर्ताव से नाराज हैं दक्षिण अफ्रीका के लोग, जानेंगे वजह बीबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया अपनी एक मिसाइल टेस्टिंग साइट नष्ट करने के लिए तैयार, पड़ोसी देश के दौरे पर गए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने दी जानकारी। और अजब गजब से मेकअप कर सोशल मीडिया पर ढेरों प्रशंसक जुटाने वाली मेकअप आर्टिस्ट, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा आज बीबीसी दुनिया में। आज शुरुआत पाकिस्तान से, जहां अदालत से नवाज शरीफ को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिली सजा को सस्पेंड कर दिया है। भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करने वाली एक अदालत ने उन्हें जुलाई में सजा सुनाई थी। फैसले के बारे में और जानकारी दे रहे हैं इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूकी। इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने 6 जुलाई को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और उनके दामाद यानी जवाई कैप्टन सफदर को 10, 7 और 3 साल के लिए जेल भेज दिया था। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं उसमें उन्होंने करप्शन का पैसे से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी और उसके जुर्म में उनको ये सज़ा सुनाई गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम और नवाज शरीफ और सफदर की अपील पर आज समाअत करते हुए ये फैसला दिया है कि जब तक ये अपीलों की समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती, ये जो सेंटेंस जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की थी ये सस्पेंड की जाती है। और जब वो सेंटेंस सस्पेंड हुई है तो उसके नतीजे में कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इन तीनों को फौरी तौर पर जेल से रिहा कर दिया जाए। तो अब वो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी की जाएंगी और उसके बाद नवाज शरीफ और उनकी बेटी और दामाद जो हैं वो जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। नवाज शरीफ ने हमेशा से और उनकी बेटी यही कहती रही हैं कि ये जो सज़ा उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दी थी ये एक साजिश का हिस्सा था और उनको फ़ौज के खिलाफ स्टांस लेने पर ये सज़ा दी गई है। जबकि उनके जो राइवल हैं पार्टी, इमरान खान की पार्टी, वो इस सज़ा को सच की फतह करार देती रही है और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए ये जो सज़ा नवाज शरीफ को और उनके ख़ानदान को मिली है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो अभी फ़िलहाल नवाज शरीफ जेल से रिहा हो रहे हैं लेकिन ये एक इंटरिम ऑर्डर है और अभी अपील पर फैसला होना है जिसमें चंद हफ्ते लग सकते हैं। उसके बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि नवाज शरीफ इसमें बेकसूर हैं या कि उन्होंने ये जुर्म किया था। इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूकी। ऐसी संभावना है कि नवाज शरीफ को आज रात रिहा किया जा सकता है। और दुबई में एशिया कप क्रिकेट में आज अब तक का प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक माना जा रहा मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और अभी तक पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर 51 रन बना दिए हैं 14 ओवरों में। और मैच से पहले दुबई में मौजूद बीबीसी उर्दू संवाददाता अब्दुल रशीद शकूर ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान खान से बात की जो पहली बार भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। क्योंकि मैं पहली दफ़ा इंडिया के खिलाफ खेलूंगा और कोशिश होगी कि मैं उनके खिलाफ बेहतर से बेहतर परफॉर्म करूं। चाहे अगर आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो या किसी और के खिलाफ क्रिकेट, तो वही क्रिकेट होनी है। और अगर आप उनकी बैटिंग लाइन देखें तो नो डाउट उनकी बैटिंग लाइन मेरे ख्याल से वर्ल्ड में नंबर 1 है और काफ़ी लंबी बैटिंग लाइन है। लेकिन मैं अपनी बेसिक पर रहूँगा और जिस तरह क्रिकेट खेलता रहा हूँ इसी तरह खेलूँगा। और बीबीसी संवाददाता अब्दुल रशीद शकूर ने दुबई में मैच देखने पहुंचे भारत और पाकिस्तान के प्रशंसकों से भी बात की। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान भारत के मैच के मौके पर पाकिस्तान और भारत के शायकीनियाँ मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? प्रतीक। आपका ताल्लुक? मैं वैसे दुबई में रहता हूँ बट मुंबई से हूँ। क्या फीलिंग्स हैं जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और बहुत अरसे के बाद इंडिया पाकिस्तान यूएई में खेल रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं?
बहुत अर्स मतलब ये दुबई में तो पहली बार खेलेंगे, शारजा में तो बहुत बार खेल चुके हैं, ये दुबई में इंडिया पाकिस्तान का पहला मुकाबला होगा और उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत सारे मुकाबले हो, इंडिया पाकिस्तान और ज़्यादा खेले, बायलैटरल सीरीज़ भी हो, क्योंकि रोमांच अलग ही लेवल पर बढ़ जाता है जब भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है। बहुत लोग बोलते हैं ये खेल से बढ़ के होता है, बट एक क्या होता है ये प्यार वही है जब यू नो जहाँ मज़ा आता है, तो पाकिस्तान के साथ ये गेम खेलने का एक अलग ही मज़ा है। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ आपका ताल्लुक कहाँ से? हम पिशावर के करीब है, पिशावर से हमारा ताल्लुक है। तो ये क्या हर मैच में आप पाकिस्तान के फ्लैग का जो है कलर जो है पहन के आते हैं? जी 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 जी, हमारा जो और ये चश्मे पे भी जो है वो आपकी आंखें मुझे नजर नहीं आ रही हैं, सिर्फ जो है वो हिलाल और ये चांद तारा नजर आ रहा है। ऐसे ये जी हमारा शौक है, हमको खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, सब कुछ नहीं मिले, लेकिन हमारा शौक है क्रिकेट। सिर्फ क्रिकेट ये नहीं कि पाकिस्तान तक महदूद है, पूरी दुनिया में जिधर भी मैच होता है वो मैं देखता हूँ कंटिन्यूसली। अभी इंडिया के सीरीज हुई इंग्लैंड से, एक बाल भी मैं मिस नहीं किया, तो ये शौक है हमारा, यही शौक है। और दूसरी बात ये कि इंडिया और पाकिस्तान हम एक है, हम बहुत मज़ा आएगा, हम जो है ये देखो हम सब एक बेंच पे बैठेंगे, एक ही जो बहुत अच्छी तरीके से मैच देखेंगे। और एक बार फिर स्कोर अपडेट कर देते हैं, पाकिस्तान का स्कोर है 2 विकेट पर 56 रन और अभी 15वें ओवर का खेल जारी है। और भारत में समय समय पर अफ्रीकी देशों से आए काले लोगों पर रंगभेदी हमले होने की खबरें आती हैं। ठीक एक साल पहले दिल्ली में एक अफ्रीकी व्यक्ति को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका गए और पाया कि ये हमले वहां राजनीतिक रंग ले चुके हैं। रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। I've traveled all over the world. मैंने दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की है, लेकिन जितना नस्ली भेदभाव मैंने भारत में देखा उतना कहीं भी नहीं। दक्षिण अफ्रीका के वायामा मुगदुसो भारत में 9 महीने रहे। वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन इसके बावजूद नस्लवाद से नहीं बच सके। जब हम अपने यूरोपीय दोस्तों के साथ किसी रेस्तरां में जाते तो पहले हमारा स्वागत नहीं होता था बल्कि उनका होता था। जब किराए पर मकान लेने निकलते तो साथ में ऑफिस के साथ ही रहते ताकि कोई दिक्कत हो तो वो मदद कर सकें। भारत में तंज मारे जाते, खूब भला बुरा कहा जाता। वहां काले अफ्रीकियों की रक्षा करने वाला कोई कानून नहीं है, आपको आप ही के हाल पर छोड़ दिया जाता है। ओयामा तय वक्त से पहले ही भारत छोड़कर अपने देश लौट आए। हाल में भारत में नस्ली भेदभाव और हिंसक हमलों के कई दूसरे मामले भी सामने आए और इससे अफ्रीका के लोग भी चिंतित हैं। When we hear of attacks against Africans in जब हम भारत में अफ्रीकियों पर हमलों के बारे में सुनते हैं तो निराशा होती है, सोचने पर मजबूर होते हैं कि जिस तरह से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो नाकाफी है या फिर हमें भी हिंसक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। Perhaps a much more violent retaliation. लेकिन दिक्कत सिर्फ भारत में नहीं, अफ्रीकियों का आरोप है कि वो अपने देश में भी भारतीयों के हाथों नस्ली भेदभाव का सामना करते हैं और यहाँ ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। Indians, in their numbers should leave. No, I don't necessarily believe that... मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीयों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मसला उनके यहाँ रहने का नहीं बल्कि उनकी सोच का है। As indigenous Africans. लेकिन दक्षिण अफ्रीका में आरोप सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं है। भारतीय समुदाय का कहना है कि उन्हें भी नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। अब देखिए ये जो बस्ती है ये भारतीय मूल के लोगों की बस्ती है, इसे फीनिक्स सेटलमेंट कहते हैं। यहाँ पर काली नस्ल के लोग कई बार हमला कर चुके हैं, ऐसा भारतीय मूल के लोगों का कहना है। दक्षिण अफ्रीका की काली नस्ल के लोगों का आरोप है कि देश का आर्थिक संकट भी भारतीय मूल के लोगों के कारण है। साउथ अफ्रीका में अत्यारे इकोनॉमिक क्राइसिस छे એટલે दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक संकट जारी है और इसके लिए बलि के बकरे की तलाश होती है। भारतीय उनके लिए एक आसान निशाना बन जाते हैं। भारतीयों ने यहाँ बहुत अच्छा किया है, आज उनके पास महंगी गाड़ियाँ हैं, अच्छे मकान हैं, बढ़िया पैसा है, पर शायद काली नस्ल के लोग हमसे जलते भी हैं। एलिमेंट ऑफ जेलसी पंचे। लेकिन ओयामा जो भारत में नस्ली हमलों की वजह से नौकरी छोड़कर स्वदेश लौट आए, उनका क्या कहना है? When the time came for me to come back to South Africa, लौटने के समय मुझे काफी राहत मिली। मैं खुश था कि अपने घर लौट आया हूँ। Where I belong.
और आगे है अजीबो गरीब मेकअप आर्टिस्ट। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। उत्तर और दक्षिण कोरिया के नेताओं के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों के नेताओं के मुताबिक ये नए भविष्य की शुरुआत है। दोनों नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया अपने मुख्य परमाणु केंद्र को बंद करने के लिए तैयार है। सुनते हैं क्या कहा दोनों नेताओं ने। हमने ऐसा सैन्य समझौता अपनाया है जो बरसों से चली आ रही भीषण लड़ाई पर विराम लगा देगी। साथ ही हमने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों और परमाणु चेतावनी से मुक्त कर एक शांत इलाका बनाने के लिए सहमति जताई है। दक्षिण और उत्तर कोरिया ने पहली बार परमाणु निरस्त्रीकरण पर हामी जताई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तर कोरिया ने यह फैसला लिया है कि चुनिंदा देशों के विशेषज्ञों की मौजूदगी में वो अपना टोंगचारी इंजन टेस्ट साइट और मिसाइल लॉन्चर्स को हमेशा के लिए बंद कर देगा। परमाणु साइट और मिसाइल लॉन्चर्स को बंद करने के फैसले पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी खुशी जाहिर की है और कहा है कि अब कोई भी रॉकेट या परमाणु परीक्षण नहीं होंगे। शानदार। किम जोंग उन भी दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल का दौरा करने के लिए मान गए हैं और ऐसा करने वाले वो पहले उत्तर कोरियाई नेता होंगे। दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बहाल करने पर भी समझौता हुआ है, जिससे कि कोरियाई युद्ध के बाद दोनों देशों में बटे परिवारों का मेलजोल बढ़ेगा और दोनों देश साथ मिलकर साल 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी भी करना चाहते हैं। सोल में मौजूद बीबीसी संवाददाता लॉरा बिकर का शिखर सम्मेलन के महत्व पर यह कहना था। राष्ट्रपति मून उम्मीद कर रहे होंगे कि इस समझौते में सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, खासकर अमेरिका के लिए। इस बार हमें कुछ ब्यौरा मिला है जो पिछले बार नहीं मिला था जब दोनों नेता मिले थे, और सिंगापुर में राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक में भी कोई ब्यौरा नहीं निकल पाया। अब हमें पता है कि उत्तर कोरिया क्या करना चाहता है, मगर तभी जब अमेरिका भी कार्रवाई करे। तो वे अब अमेरिका से कुछ जवाबी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। जहां तक दक्षिण कोरिया की बात है, तो राष्ट्रपति मून इसे इस तरह बेचना चाहेंगे कि देखिए, मैं उत्तर कोरिया पर दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो अमेरिका से बात करे, साथ ही दोनों कोरियाई देशों को भी करीब ला रहा हूं। और बात एक मेकअप आर्टिस्ट की। इंग्लैंड की रोमानी जेड टुलाक ने अपने दिलचस्प मेकअप से सोशल मीडिया पर अपने कई फैंस बनाए हैं। 19 साल की रोमानी को कई बार तैयार होने में 5 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन इस मेहनत का फल उन्हें ये मिला कि आज इंस्टाग्राम पर ढेर सारे फॉलोअर्स हैं और वो अपने इसी हुनर का इस्तेमाल कर अब पैसे कमाना चाहती हैं। क्या ये आंखें आपको डरा रही हैं या फिर लुभा रही हैं? मिलिए 19 साल की इस लड़की से जिसने इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया है। मुझे हर काम परफेक्ट तरीके से करना पसंद है। कई बार तैयार होने में उन्हें घंटों लग जाते हैं। उनके मेकअप पर नेचर का असर भी साफ दिखता है। Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm going to be doing this glam look right here, showing you how to do the cut crease using the new. इंस्टाग्राम पे उनके 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। At first we didn't know what was happening. पहले मुझे यकीन ही नहीं हुआ। धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं मशहूर हो रही हूँ। मुझे फिर मजा आने लगा। अगर लोगों पर आपका असर हो रहा है तो रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। बस खुद की पहचान मत खोइए और जिस चीज को करने में मजा आता है उसे करते रहिए और नेगेटिव बातों से दूर रहिए। नेगेटिविटी। और अब आज का कार्टून। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि वो महंगाई बढ़ने की वजह से अगले आम चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। कीर्तिश ने इसे खबर पर बनाया ये कार्टून। आगे देखिए कैसे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने किया फोटो बॉम्ब।
तो आगे देखेंगे ग्लोबल राउंडअप। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और अब वक्त है बीबीसी ग्लोबल राउंडअप का। और पहली खबर यमन से। चैरिटी संस्था सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि यमन में छिड़ी नई लड़ाई से 10 लाख और बच्चों पर भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में वहां विद्रोहियों के कब्जे वाले हुदैदा शहर पर हमला हुआ है, जहां के बंदरगाह से यमन के लोगों तक मदद पहुंचती है। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने रविवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का वादा किया गया है। लेकिन ये चुनाव कितने सही है, इसे लेकर ही सवाल है, क्योंकि यामीन के मुख्य विरोधी जेल में बंद है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि खाने के सामानों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कहा है कि पकड़े जाने पर 15 सालों के लिए कड़ी जेल की सजा दी जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों स्ट्रॉबेरी में सुइयां मिलने की कई घटनाएं सामने आई थी। दुनिया को संरक्षणवाद और वैश्वीकरण दोनों में से एक को चुनना होगा, ये कहा है चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध और तेज होने पर उनका यह बयान आया। इस व्यापार युद्ध के बारे में क्या कहना है चीन के लोगों का, आइए सुनते हैं। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उनकी नीतियां चीन के लिए दोस्ताना नहीं रही हैं। वो चीन को निशाना बना रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि दोनों देश ये मसला आपस में सुलझा लें। वो अगर ऐसा करते हैं तो बेहतर होगा। और इसके अलावा खबरों में है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे, जिन्होंने शादी करती एक जोड़ी के फोटोशूट को फोटोबॉम्ब कर दिया। दरअसल टेरेसा मे अपने निजी दौरे पर थी और वहां से गुजर रही थी, तब उन्होंने इन दोनों को देखा और फोटो खिंचवाने पहुंच गई। उन्होंने वक्त के मुताबिक तैयार ना होने के लिए दंपति से माफी भी मांगी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ से मुश्किलें बढ़ रही हैं और राहत कार्यों में भी दिक्कत हो रही है। हजार से ज्यादा सड़कें पानी भरने की वजह से बंद हैं। तूफान में अब तक 30 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। लंदन में हुए एक नए शोध के मुताबिक ज्यादा समय तक प्रदूषित वातावरण में रहने और दूषित हवा में सांस लेने से डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही प्रदूषित इलाके में रहने वाले 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में डिमेंशिया का खतरा 40% ज्यादा हो जाता है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक गांव में बनी सैकड़ों विशाल हवेलियों के पीछे छिपी है किसके संघर्ष और कामयाबी की दास्तान, बताएंगे आपको पाकिस्तान से हमारी खास रिपोर्ट कल शाम 6 बजे बीबीसी दुनिया में। और आप मुझे भी ट्वीट कर सकते हैं @BBCSarika पर, कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक दे सकते हैं। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही, अब कल शाम 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। We'll be right back.